मित्रों प्रणाम निवेदित करता हूं। दो तीन सेकंड लगेंगे, जब 10% हार्ट बचा और 3 बार इलेक्ट्रिक शॉक देके जिंदा किया गया और फिर डिवाइस लगाया गया, उसके बाद जब और ऑपरेशन हुए तो डिवाइस स्क्रब लगाया गया। कृपा है आज आपके बीच हूँ। हास्य और व्यंग में बड़ा बारीक अंतर होता है। हास्य कहीं भी पैदा हो जाता है, जैसे कोई बारात में किसी नेता को ले जाए, वर वधु अग्नि के फेरे लगाएं, वर वधु को लेकर नेता के पास आए और कहे विवाह हो गया, आप शुभाशीष दें। नेता वर की बात सुने, वधु को देखे और वर से कहे कि मैं तो नेता हूँ, मैं क्या जानूँ आशीर्वाद क्या होता है, मैं तो उद्घाटन करूँगा। जेब से कैंची निकाले और वर वधु का गठबंधन काट दे। ये हास्य है। आपने सुना, ठहाका लगा दिया, कोई विचार नहीं किया। व्यंग आपको विचार की ओर ले जाता है। व्यंग आपकी बुद्धि लब्धि का परीक्षण करता है। हम व्यंग में वक्रोक्ति के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, अविधा व्यंजना लक्षणा के माध्यम से बात करते हैं। अभी भाई लोकेश ने जाते जाते कहा कि एक गीत भी सुन लीजिए, ताकि आपको लगे कि मैंने कविता भी सुनाई, और मैं केवल कविताएं सुनाने आया हूं। 1 सेकंड का व्यंग का उदाहरण देने के बाद, मुर्गा देखता था कि मुर्गी हमेशा सफेद अंडे देती रही। लगातार सफेद अंडे देते देते मुर्गी ने एक बार लाल, नीले, पीले, हरे, गुलाबी, 7 रंगे अंडे दिए। मुर्गे ने गुस्से से मुर्गी को देखा, तलवार निकाली, बगीचा गया और मोर की हत्या कर दी। जिनको जब जब समझ में आएगा उनको उतना आनंद आएगा। तो हास्य और व्यंग दो में मैं पहले हास्य की ओर ले जाऊं कि व्यंग की ओर, बताइए भाई। पहले हास्य की, चलिए हास्य। आपके अलवर नगर में कई महिला डॉक्टर होंगी, उनकी डिस्पेंसरी पर कोई ना कोई बोर्ड लगा रहता होगा। जब आप इस कविता को सुनने के बाद निकलेंगे तो आपको इस कार्यक्रम की याद आएगी। सुनिएगा भैया। डॉक्टर पत्नी पति से बोली, देखो वो कॉलेज का छोरा, दुबला पतला गोरा गोरा, खिड़की में से झांका करता, केवल मुझको ताका करता, हरकत उसकी रास ना आई, साजन जाकर करो पिटाई, साजन पहुंचे जाकर मारा, बोले अब तू देख दोबारा, लड़का बोला पहले वह तुम बोर्ड उतारो, फिर देखूं तो मुझको मारो, पति ने पत्नी का बोर्ड निहारा, जाकर फौरन बोर्ड उतारा, लिखा हुआ था महिला डॉक्टर, समय देखने का 8 से 12। मित्रों हमारा जीवन 2 बातों से प्रभावित होता है, 1 वंशानुक्रम, 2 वातावरण। आदमी जिस वातावरण में रहता है उसका वह आदि हो जाता है। एक पंडित के बच्चे को बचपन में अगर किसी व्यापारी के यहाँ छोड़ दें तो वो व्यापार में आगे बढ़ जाएगा। एक वातावरण का असर पड़ता है। हम कभी लोग इतनी रेल यात्रा करते हैं मित्रों कि हमारा जीवन ही रेलमय हो जाता है। कलकत्ता में मदर टेरेसा ने अपने आश्रम में उन बच्चों को मुलायम गद्दे दिए जो पत्थरों पर सोते थे। उनकी आदत थी पत्थरों पर सोने की। अनाथ आश्रम की खिड़की खुली थी, बच्चे भाग गए। जब उनको ढूंढा तो पत्थरों पर आराम से सोते मिले। जब कभी आप रेल यात्रा करेंगे आपको फिर इस कविता की याद आएगी, इस आयोजन की याद आएगी। हिंदुस्तान के हर चैनल ने इस कविता को प्रस्तुत किया है, आप तक आई होगी। अशोक चक्रधर ने इस पर फिल्म भी बनाई है, सब टीवी में तो करीबन 22 बार इस कविता का प्रसारण हुआ है। रेल यात्रा सुनिएगा, वातावरण की बात है।
पत्नी ने कहा डॉक्टर के यहाँ जाना है, थोड़ा सा चेकअप कराना है। शाम पत्नी को डॉक्टर के यहाँ ले जाकर मैंने कहा दिखाइए, उसने रोनी सी सूरत बना के कहा आप आगे आइए, मेरा तो बहाना था, दरअसल आपको दिखाना था। डॉक्टर साहब एक कवि सम्मेलनों में जाते हैं, सप्ताह में 2 दिन के लिए घर आते हैं, महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं, लगातार रेल यात्रा के वातावरण को सहते हैं। इस बार घर आते ही कमाल किया, 4 फीट चौड़े पलंग को काटकर 2 फीट का कर दिया। 4 फीट चौड़े पलंग को काटकर 2 फीट का कर दिया। शाम अटैची को साकल से बांधकर ताला लगाते हैं, तकिए में हवा भरते हैं, चप्पलें सिरहाने रखते हैं, कमरे का ट्यूब लाइट अलग किया, उसकी जगह 0 वाट का बल्ब लगा दिया। टेप रिकॉर्डर से अनूप जलोटा का कैसेट निकाल, रेलवे अनाउंसमेंट, गाड़ी चलने की ध्वनि, घंटी की घनघनाहट और गरम चाय समोसा की कर्कश आवाज का कैसेट लगाते हैं। बीड़ी सिगरेट के टुकड़े पलंग के चारों ओर फैलाते हैं। मैं तो रात भर जागती हूँ और ये आराम से सो जाते हैं। पता नहीं कैसी जिंदगी जीते हैं, कप में चाय दो तो कुल्हड़ में पीते हैं। एक रात मेहमान आए तो मैंने इन्हें जगाया, इन्होंने करवट बदली और मेरे हाथ में रेलवे टिकट और 50 रुपए का नोट थमाया। 50 रुपए का नोट थमाया। मैंने कहा ये क्या है, बोले आप ही रख लेना, रसीद नहीं बनाना, 4 रात का जागा हूं, कटनी आए तो ख्याल से उठाना। पिताजी से दहेज में मिला सोफा सेट आधे दामों में बेच आए, बदले में 2 लंबी सीमेंट की बेंच खरीद लाए। बेडरूम में लगी पेंटिंग्स को अलग किया, उनकी जगह भारतीय रेल आपकी संपत्ति है, जंजीर खींचना अपराध है लिखवा दिया। एक रात इनके पास आकर बैठी, इन्होंने पाँव मोड़े और कहा आराम से बैठिए। डॉक्टर साहब बताने में शर्म आती है लेकिन इलाज कराने में शर्म कैसी, अब आपसे क्या छिपाना है। इन्होंने मुझसे पूछा बहन जी आपको कहाँ जाना है, मुझसे पूछा। अच्छा लग रहा हो इसमें हृदय यहाँ तक बिल्कुल साफ सुथरी बात, बहन जी आपको कहाँ जाना है। डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से मना करते हैं, पूड़ियाँ मिठाई के डिब्बे में और सब्जी प्लास्टिक की थैली में भरते हैं, फिर अपने 2 फुटिया पलंग पर बैठकर खाते हैं, पता नहीं क्यों बीच बीच में हिलते भी जाते हैं। नीचे खाली डिब्बा फेंक कर पानी की कुप्पी पलंग के पास वाली खिड़की पर लटका कर आराम से सो जाते हैं। एक रात मेरे भाई और पिताजी आए, दोनों इनकी हरकतों से लजाए, रात में भाई ने इनकी अटैची जरा सी खिड़काई, ये चिल्लाए जंजीर खींचू चोरी करते शर्म नहीं आई। सुबह है बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर नहाने जा रहे थे, बालकनी पर इनके पास वाली खिड़की से आ रहे थे, उन्होंने खिड़की से हाथ डालकर इन्हें जगाया। इन्होंने गुस्से में कहा इस तरह मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, माफ करो बाबा आगे जाओ। अच्छा लग रहा हो इसने देखते जाइए, माफ करो बाबा आगे जाओ। पिताजी आगे गए तो उन्हें वापस बुलाया, उनके हाथ में अठन्नी दी और पूछा कौन सा स्टेशन आया। इनका अजीब कारनामा है, एक पर एक हंगामा है। अभी कबाड़ी के यहाँ से एक पुराना टेबल फैन मंगवाया और छत पर लटके अच्छे खासे सीलिंग फैन को उतार कर उसकी जगह पुराना टेबल फैन लटकाया, उसे चालू करने विचित्र तरीका अपनाते हैं, जेब से कंघी निकालते हैं और पंखा घुमाते हैं। पंखा घुमाते हैं,
सुबह अटैची खोलकर मंजन ब्रश साबुन निकालकर बाथरूम की ओर जाते हैं, मैं कहती हूँ ठहरो बेटा गया है तो वही लाइन लगाते हैं, समझाती हूँ आ जाओ तो रोकते हैं, हर दो मिनट के बाद बाथरूम का दरवाजा ठोकते हैं। इन्होंने पूरे घर को सिर पर उठा लिया है, बेडरूम को घर पूरे घर को सिर पर उठा लिया है, बैठक खाने को वेटिंग बैठक खाने को वेटिंग बैठक खाने को वेटिंग रूम और बेडरूम को रेलवे कंपार्टमेंट बना दिया है। इनके साथ जिंदगी कैसे कटेगी हमें सोच के डरते हैं, और ये सात जन्म की बात करते हैं, हम तो एक ही जन्म में पछताए। और भगवान किसी महिला को ऐसी रेल यात्रा करने वाले कवि की पत्नी न बनाए, पत्नी न बनाए, पत्नी न बनाए। हास्य हो गया, एक हाथ व्यंग दे दू, हास्य के बाद एक दो व्यंग के टुकड़े, दो दो तीन तीन पंक्ति के मित्रों, दो दो तीन तीन पंक्ति के, अच्छा लगे तो इसमें भेजिएगा। गांधी जी का चौथा बंदर सुनिएगा। जब भी मैं गांधी जी के चित्र की ओर देखता हूं, मुझे लगता है इस बूढ़े आदमी ने बड़ी गलती की है जो हमको तीन बंदर दिए। रचना का शीर्षक है गांधी जी का चौथा बंदर, दो ढाई पंक्तियां हैं, सुनिए मित्रों। महात्मा गांधी ने इस देश में अगर और जिया होता तो हमें अपना चौथा बंदर जरूर दिया होता। चीन से मिले गांधी जी के तीनों बंदर, किस्मत के सिकंदर, एक बंद किए है मुंह, दूसरा आंख, तीसरा कान, और चौथा जब देखता हिंदुस्तान तो राजनीति के संपूर्ण परिवेश को जिए होता। और इस देश के नेताओं के चरित्र की बदबू से चौथा बंदर अपनी नाक को बंद किए होता, चौथा बंदर अपनी नाक को बंद किए होता। वाह वाह वाह।